बीजेपी पर अखिलेश ने जो आरोप लगाए थे वो सही निकले। आजम खान के बरी होते ही अखिलेश ने कर दी बड़ी मांग। उधर आजम बरी हुए इधर अखिलेश ने योगी को घेर लिया। आजम खान के बरी होते ही योगी पर अखिलेश का हमला। बीजेपी पर लगाया झूठे मुकदमे करने के आरोप। कठपुतली बने भ्रष्ट अधिकारियों को तुरंत दंडित करना चाहिए। हेट स्पीच मामले में आजम खान के बरी होते ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव योगी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। अखिलेश ने आजम खान के पूरे मामले को बीजेपी का षड्यंत्र बताया और सपा नेताओं को झूठे मुकदमे फंसाने का आरोप लगाया। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान को हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया है। इसी मामले में उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी। अब इसे लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर तीखा हमला किया है और बीजेपी पर झूठे मुकदमे लगाने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने आजम खान की विधानसभा सदस्यता फिर से बहाल करने की मांग की है। अखिलेश यादव ने आजम खान को कोर्ट से मिली राहत के बाद बीजेपी पर झूठे मुकदमे कराने का आरोप लगाया और कहा कि अधिकारियों की मिलीभगत से आजम पर झूठे मुकदमे लगाए गए हैं। उन्होंने ऐसे अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, भाजपा राज्य में झूठे मुकदमों का सच बाहर आना शुरू हो गया है। जनता पर दबाव डालकर झूठा मुकदमा करने वाले सत्ता की कठपुतली बने भ्रष्ट अधिकारी को तुरंत दंडित करना चाहिए। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर आजम खान की विधानसभा की सदस्यता की तत्काल बहाली की मांग की और कहा कि कोर्ट इस मामले में सत्ता की संलिप्तता की जांच करे। सपा अध्यक्ष लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज करने के आरोप लगाते रहे हैं। हेट स्पीच मामले में आजम खान को मिली राहत के बाद उनके इस दावे को और भी बल मिल गया है। दरअसल बुधवार को रामपुर के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में आजम खान को बरी कर दिया। खास बात यह है कि इसी मामले में सजा मिलने की वजह से उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी। इससे पहले निचली अदालत ने हेट स्पीच मामले में उन्हें 3 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था जिसमें समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आसिम राजा को बीजेपी ने आकाशक सेना ने हरा दिया था। हेट स्पीच मामले में अदालत से राहत मिलने के बावजूद आजम खान की विधानसभा सदस्यता फिलहाल बहाल होना मुश्किल है क्योंकि अवैध रूप से मार्ग जाम करने के मामले मुरादाबाद की एक अदालत ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को इसी साल 2-2 वर्ष की सजा सुनाई थी जिसके बाद उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की भी सदस्यता चली गई थी। हेट स्पीच मामले में बरी होते ही समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान अपने पुराने रंग में लौट आए हैं। इसकी बानगी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के रामपुर में देखने को मिला जहां आजम खान ने सीओ सिटी से द्वारा गाड़ी रोके जाने पर अपना तीव्र दिखाया। इसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल सपा कार्यालय पहुंचे आजम खान रास्ते में पुलिस के रोकने के बाद गाड़ी से उतरकर सीओ सिटी अनुज चौधरी से बात कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन में आए सदस्यों को रोकने पर आजम खान नाराजगी जताई और अनुज चौधरी से कहा, आप सीओ सिटी हैं, सपा ने आपको ऑर्गेनाइज किया था, हमारा एहसान याद नहीं आपको। इस पर अनुज चौधरी ने कहा, एहसान कैसा, हम पहलवान थे, अर्जुन अवार्ड लाया हूँ, एहसान की क्या बात है। इसके बाद आजम खान बोले, मैं कह रहा हूँ कि हम लोग अपने बड़ों का एहसान याद रखते हैं, आपको तो मैंने सुंदर कहा है। जब सीओ सिटी अनुज चौधरी ने आजम खान से पूछा, आप हमसे क्यों नाराज हैं, हमने क्या किया, तो उन्होंने कहा, आपके कारनामे तो हमारे मोबाइल में है। इतना कहने के बाद आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ रवाना हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लॉन्चर।